हेलो फ्रेंड्स, वेलकम माय यूट्यूब चैनल में आप सबका स्वागत है। फिर से मैं नई वीडियो के साथ आ चुके हैं, अपडेट वीडियो के साथ आ चुके हैं। आज की जो हमारी वीडियो होने वाली है वो होगी राजस्थान नर्सिंग ऑफिसर के बारे में। जैसा कि आप सभी को पता है कि रेगुलरली जो राजस्थान नर्सिंग ऑफिसर की वैकेंसी है वो चर्चाओं में चल रही है, तो उसके बारे में हम यहाँ पर जो डिस्कस है करने वाले हैं कि राजस्थान की जो भर्ती है इसके अंदर क्या होने वाला है, यानी कि यह भर्ती प्रक्रिया है वो किस प्रकार से संभव की जाएगी या नहीं की जाएगी, इन चीज़ों के बारे में यहाँ पर जो डिस्कस है वो हम आपको कम्प्लीटली करके बताने वाले हैं। तो सब आज एक न्यू अपडेट निकल कर आ रही है, जैसा कि आप सभी को पता है, आपको दिख भी रहा होगा कि 16 अक्टूबर की एक नई अपडेट है, जो बोनस अंक नहीं दिए गए, यानी कि 20 और 15 जो बोनस अंक नहीं दिए गए थे सीएचओ को नर्सिंग ऑफिसर की वैकेंसी से रिलेटेड, क्या उसकी वजह से तो जो नर्सिंग ऑफिसर की वैकेंसी है वो नहीं रुकी हुई है, तो इन चीज़ों के बारे में यहाँ पर जो डिस्कस करने वाले हैं। कुछ साथियों के कमेंट आ रहे थे कि सर सीएचओ के अंदर बोनस अंक नहीं देने की वजह से जो भर्ती है उसको रोक रखा है, तो ऐसा है या नहीं है वो चीज़ मैं आपको लास्ट के अंदर बताऊंगा। तो सबसे पहले देख लीजिएगा कि नर्सिंग ऑफिसर भर्ती 2023 से जुड़ा एक प्रकरण है वो जारी किया गया है, जिसके अंदर क्या लिखा हुआ है कि बोनस अंकों का लाभ नहीं देने पर हाईकोर्ट ने जारी किए नोटिस, यानी कि नर्सिंग ऑफिसर की वैकेंसी से रिलेटेड जो हाईकोर्ट है उन्होंने नोटिस जारी कर दिया गया है कि जो बोनस अंक है वो नहीं दिए गए थे आप सभी को पता है सीएचओ को, तो उसकी वजह से वहाँ पर क्या है जो हाईकोर्ट ने जो नोटिस है वो जारी किया गया है। उस नोटिस के अंदर क्या लिखा हुआ है और क्या मांग की गई है वो चीज़ यहाँ पर बताने वाले हैं कि जस्टिस जो सुरेश बंसल ने सरकार व अन्य से 20 अक्टूबर तक मांगा जवाब, यानी कि जो जज हैं हमारे जो सुरेश बंसल जी हैं उन्होंने क्या किया है, जो गवर्नमेंट है राजस्थान गवर्नमेंट है और जो 20 अन्य जो भी राजस्थान गवर्नमेंट और जो भी अन्य कर्मचारी हैं उन सभी से 20 अक्टूबर तक क्या मांगा है, जवाब मांगा है कि आपने जो सीएचओ के अंक बोनस अंक हैं वो क्यों नहीं दिए गए हैं। ठीक है, हरमन सिंह मीना व 84 अन्य अभ्यर्थियों ने दायर की थी याचिका, यानी कि लगभग ये मान लीजिए आप 85 या 86 लोगों ने क्या की आरटीआई लगाई थी, याचिका जारी की गई थी कि हमें बोनस अंक क्यों नहीं दिया गया। ठीक है, दस्तावेज सत्यापन के बाद भी सीएचओ को नहीं दिए गए बोनस अंक, सरकार ने 25 अंक अप्रैल को कोविड-19 में कार्य करने वाले को दिया बोनस अंक, विभाग के 7 अक्टूबर को जारी किया, यानी कि इसमें यह लिखा हुआ है कि 86 अंक से ज़्यादा, यानी कि 86 जो कैंडिडेट हैं उससे ज़्यादा कैंडिडेटों ने यहाँ पर जो याचिका है वो लगाई थी कि हमारे जो बोनस अंक वो क्यों नहीं दिए गए, और बोनस अंक नहीं दिए गए यानी कि जो कोविड के अंदर काम किए थे उन कैंडिडेटों को क्या किया है 25 नंबर का यहाँ पर बोनस दिया गया है, लेकिन जो कैंडिडेट सीएचओ की पोस्ट पर वर्क कर रहे हैं उन कैंडिडेटों को यहाँ पर बोनस अंक नहीं दिया गया है। तो ये जो फैसला है ये कैंडिडेट की तरफ से अभ्यर्थियों की तरफ से मेरे को ज़्यादा लग रहा है, क्योंकि जो जज साहब हैं उन्होंने 20 अक्टूबर तक ये मांगा गया हम मेरे को जवाब चाहिए गवर्नमेंट से या अन्य कर्मचारियों से कि जो आपने अंक है वो क्यों नहीं दिए गए, तो और वो कौन सी अपडेट है, या फिर जो आपके मैं बताऊं कि जो नर्सिंग ऑफिसर की वैकेंसी है उसकी आज मीटिंग है, यानी कि आज लेट नाइट आपको यहाँ पर मीटिंग देखने को मिलेगी, जो कि मैंने सुबह एक वीडियो के अंदर आपको अपडेट दी थी कि आज की मीटिंग है, जो भी उसका निष्कर्ष निकल कर आएगा वो उस मीटिंग का वो चीज़ मैं आपको ज़रूर बताऊँगा। साथ ही साथ मैं आपको ये भी बताऊँगा कि जो नर्सिंग ऑफिसर की वैकेंसी है उसकी कोई न्यू अपडेट आएगी तो ज़रूर बताऊँगा। प्रेजेंट में यही अपडेट है कि हाईकोर्ट की तरफ से जवाब मांगा गया है गवर्नमेंट से, आप देखते हैं कि गवर्नमेंट क्या जवाब देती है और क्या रीज़न निकाल के देती है कि सीएचओ को बोनस अंक क्यों नहीं दिए गए। तो अब तक की ये सूचना आपको पहुंचानी थी, अगर वीडियो अच्छी लगी इन्फॉर्मेशन लगी तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच।